हेलो माय स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रवेश न्यूटन, और मैं 2021 जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आज मैंने VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ऑनलाइन में इंग्लिश मीडियम के इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक का हमने लाइव क्लासेस शाम 8 बजे से रेगुलर चलता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम का क्लास स्टार्ट कीजिए, हिंदी मीडियम का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो हमने सोचा चलिए हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए भी हम अपने तरफ से फिजिक्स का 100% तैयारी करवाऊँगा। पहले हमने ऑब्जेक्टिव, एक ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके पास लेकर आया हूँ जो अगर इतना ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 की हम गारंटी देते हैं लाने के लिए कि आप ला सकते हैं। और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताऊंगा हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उस ऑब्जेक्टिव मेरा कोई गेस्ट पेपर से नहीं करवाऊंगा, किसी बुक से नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ एक अपना गेस है जिसका नाम है प्रवेश मास्टर माइंड। जी हाँ, प्रवेश मास्टर माइंड, जो इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप कर लेते हैं तो आपको बोर्ड के साथ साथ में किसी कंपटेटिव एग्जाम को भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जैसे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, तो आपका बहुत ज़्यादा इससे लाभदायक होगा, बहुत यूजफुल होगा इसके लिए। तो चलिए मैं आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे स्क्रीन पर आपने देख रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन पर है ये लिखा हुआ है प्रवेश मास्टर माइंड, और इसमें 100% सक्सेस की हम गारंटी देते हैं। अगर आपको किसी तरह से ऑनलाइन की इस कोरोना वायरस में आपको दिक्कत है तो आप, अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ। चलिए देखिए पेज से डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 1 जो है उस पेज नंबर 1 में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में अगर हम मैं देखता हूँ चलिए तो आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर किया हुआ है प्रवेश मास्टरमाइंड, जो BCEB CBSE किसी भी कंपटेटिव ऑल कंपटेटिव एग्जाम के लिए किया हुआ है। और इसका की फ्यूचर आप अगर पढ़िएगा तो इससे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या विशेषताएं हैं। जो तो इस विशेषताएं के साथ हम आपके पास आते हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। देखिए फर्स्ट जो पेज दिया हुआ है ये पेज जो है एक कंप्लीट ओमार शीट है, इसी तरह से आपका ओमार शीट रहेगा और इसमें 35 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको सिलेक्ट करके क्वेश्चन बनाना है इसमें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें होता है वो आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा 35 इसमें पूछा हुआ है और इससे ज़्यादा भी है। तो सबसे पहले हमने पूछे हुए क्वेश्चन को कुछ डिस्कस कर लेते हैं और ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है इसको फिजिक्स 2019 का जो सेट है वो सेट पेपर ए का है। सेट पेपर ए के साथ में चलिए हमने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस 1.5 उत्तल लेंस में जो दिया हुआ है अपना 1.5 पानी में डूबा हुआ जाता है तो उसका व्यवहार करता है। अगर कोई उत्तल लेंस है जो पानी में डुबाया जाता है तो उसका व्यवहार किस तरह से करता है, तो इसका देखो उत्तल लेंस की तरह ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है LR परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो ऑप्शन बी होगा R/RY√R² + ω² और L² होगा। उसके बाद कर रहा है प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध मान और शिखर मान का अनुपात, वर्गमूल और माध मान का शिखर मान का अनुपात जो होता है जब दोनों का अनुपात अगर निकालोगे तो 1/√2 होगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है,
विद्युत चुंबकीय तरंग के सचरण की दिशा होती है। क्या होता है सचरण की दिशा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब करा बाबू कि अगर मान लो इस तरह से बनाया जाए, एक इस तरह से होता है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र चलता है और दूसरे तरफ जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड चलता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में लेकर चलते हैं तो इसका जो चूंकि दिशा जो होता है ई क्रॉस बी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा। फिर कह रहा है प्रकाश के रंग का कारण, प्रकाश के रंग का कारण है क्या कारण है? तो इसकी आवृत्ति की कारण है। क्या कारण है? इसकी आवृत्ति की कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कह रहा है ताप के बढ़ने में अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ताप अगर बढ़ता रहा है तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अवयंत्रित रहता है या शून्य हो जाता है? तो देखो बाबू, ताप के बढ़ने से अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो ऑप्शन बी होगा, घटता है। आपको मुझे देख रहे हैं कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा स्कैनिंग में दिक्कत है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? घटता है। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग आते हैं 7 पर। करा यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्रारंभिक एवं द्वितीय में क्रम N1 और N2 स्टेट होते हैं, तो N1 N2 जो होगा वो ऑप्शन जो आपके सामने है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। उसी तरह से 8 में करा पृथ्वी को किसी स्थान पर एक टीवी प्रेरस टावर की ऊंचाई 245 मीटर है जिसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसार पहुंचेगा, तो कितना दूरी तक पहुंचता है? तो ऑप्शन सी 56 किलोमीटर। इसको आप देखो एक क्वेश्चन है, बता सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने बता रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में, वो भी हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का 8:30 से चल रहा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सभी न्यूमेरिकल का डिस्क्रिप्शन हमने अच्छे तरीके से किए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पेज में, देखो क्लियर दिखाई देता है, तो ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 2 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू बोल रहा है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो आप देख सकते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? हाँ जी, करा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है, कांच का होता है, पानी का होता है, लोहा का होता है या हीरा का होता है। तो भाव हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए, करा नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट होता है। तो देखो नैंड गेट का मतलब होता है कि नॉट गेट प्लस एंड गेट को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा y=a(b) का बार हो जाएगा। आपका जस्ट देखिए सामने सामने एक आंसर भी इसका हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसी तरह से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कितना होता है? क्या स्थिर रहता है, शून्य रहता है, अनंत रहता है या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो बाबू अनुचुंबकीय पदार्थ की जो आपृति होता है वो स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है। उसी तरह से 12 में आते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एक एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाइव, धारा आई है और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना? फाइव है। तो धारा का वाटहीन घटक होगा, वाटहीन घटक का मतलब कि दोनों के बीच का क्या आएगा ग्राफ? तो देखो वाटहीन घटक ने इसका y=i sin θ हो जाता है। क्या हो जाता है? i sin θ हो जाता है, ठीक है। तो i sin θ से अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जी हाँ 13 में बोल रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता, आवेश का पृष्ठ घनत्व की बोल रहा है। तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ घनत्व का क्या होगा, तो
कूलम मीटर स्क्वायर होता है। कैसे? पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व को मतलब कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो देखो इसका तो हो जाएगा, इसका कूलम हो जाएगा, तो इसका कूलम हो गया और मीटर स्क्वायर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, तो कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे। कितना पे? 14 पे। कराए कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है कितना होता है? तो ये भी प्रूफ करोगे तो माइनस एफ नोट बाई एफ ई होता है। क्या होता है? माइनस एफ नोट बाई एफ ई होता है। ठीक है, 15 में आते हैं। 15 कह रहा है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो देखो बाबू ये ऑप्टिक्स है, हमने प्रिज्म पढ़े हैं। अगर आप थ्योरी पेपर पढ़ोगे प्रिज्म का तो आपको साफ पता चल जाएगा अरे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो देखो तुम प्रिज्म ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अगर प्रिज्म बना रहे हो यहाँ से गया इस तरह से और ये निकल जाता है और यहाँ पर डेविएशन बन जाता है, विचलन कोण यही बनता है। ठीक है ना, तो विचलन कोण इधर से अगर आता है तो ये विचलन कोण कितना बन रहा है वो चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा? एन माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। करा 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक 60 वाट है और दूसरा 40 वाट है। दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मित शक्ति होगी। शक्ति मतलब पावर। तो देखो पावर ऐसे तो आंसर इसका हो जाएगा कितना? 30 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 वाट। अब देखो शक्ति निकालना है तो पी बराबर होता है डब्लू बाई टी करके। अब इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके बनाकर आपने निकालिएगा तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा? 30 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा? अब सोचो बाबू कि हाफ एम ऐसे देखो हाफ सी भी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ऐसे अगर बोलोगे तो हाफ सी भी स्क्वायर होता है। तो हाफ सी भी स्क्वायर अगर बोल रहा है एनर्जी के केस में तो इसका देखोगे तो सी हम लोग का निकालना है। तो इस फॉर्मूला पर अगर रखोगे तो 17 का आंसर जो होगा वो 2×10⁻²⁺ फराड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? करा एक बेलनाकार को व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार तो किया जाता है लेकिन कौन सा दोष के लिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं वो हम लोग को बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि एंटीमैंटिज्म के उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर थ्री बोल रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? क्या शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है या फिर अनंत होता है? तो देखो बाबू आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बाबू शून्य होता है। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाता है। शून्य कितना हो जाएगा इसका? शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बी में बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो बोल रहा है तो इसका जो होता है n स्क्वायर समानुपाती जो होता है वो BH का होता है। क्या होता है? n स्क्वायर समानुपाती किसका होता है? BH का होता है। कोई दिक्कत? तो उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के साथ में हम लोग देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है करा किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग होता है।
किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग होता है। तरंगार्ग मतलब कि अब कैसा होता है तरंगार्ग, तो देखो तरंगार्ग के मतलब होता है गोलाकार, बेलनाकार कभी हो नहीं सकता, समतल कभी हो ना गया, वृत्ताकार कभी हो नहीं सकता, तो गोलाकार तरंगार्ग बनाते हैं। जैसे देखो इस तरह के बनाते हैं, ठीक है, इस तरह के तरंगार्ग पूरा, जैसे तुम लोग पानी में देखा होगा कोई पत्थर के अगर मारोगे तो उससे भी तरंगार्ग उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी का तरंगार्ग होता है, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग हैं, कह रहा है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो किस कार्य का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर चलता है वो बताना, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर। तो देखो बाबू विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर चलता है, जो डायनमो का कार्य होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर चलता है, ठीक है। अब अगला आते हैं 23 पर, 23 बोल रहा है कि लेमडा तरंग दैर्ज्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि 2019 में पूछा गया है, 2020 का हमने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन अगर आपने इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हम कहते हैं 35 से 30 लाना के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो कह रहा है लेमडा तरंग दैर्ज्य के वाले फोटोन की ऊर्जा होती है SC/λ होता है, कितना होता है, SC/λ होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। बाबू वैद्युत यहां पर कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय में विद्युत विभव बोल रहा, विद्युत विभव बोल रहा, तो विभव का जब सम करते हैं ना, दोनों का जब सम करोगे तो सम करने के बाद शून्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र अगर बोलता तो विद्युत क्षेत्र में कभी भी शून्य नहीं आता है, वैद्युत विभव की निरीक्षित स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। अब अगर आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन में पढ़ना है तो आप मेरे प्लेबैक में यूट्यूब चैनल पर जाइए और आपका टोटल थ्योरी हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप आराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सर कैसे शून्य होगा जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, करा 25 में कि 10 माइक्रो कूलम एवं -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर, कहाँ पे, वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो बाबू देखो हम लोग जानते हैं कि यू बराबर ऐसे होता है ½CV² इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो। जब इस फॉर्मूले पे आप टोटल अगर रखोगे तो इससे आपका जो आंसर आ जाएगा वो अब आवेश के, तो इससे पहले एक फॉर्मूला आता है Q = CV, तो उससे फॉर्मूला पर भी निकालोगे, तो दो आवेश में से किसी एक आवेश को लेकर चलना है, और जब सॉल्यूशन करोगे तो 25 का कितना हो जाएगा, तो बी होगा ऑप्शन नंबर 2.35 जूल हो जाएगा। अगर इसका ज़्यादा वीडियो अगर आपको देखना है तो आप इंग्लिश माध्यम में जाकर पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं, क्वेश्चन सेम रहता है, बस वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं और समझाते हैं हिंदी माध्यम में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले चलते हैं 26 पर, कर आप पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता, जी हाँ नमन कोण का मान, कर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता, जो नमन कोण का मान होता है कभी भी बाबू 0 डिग्री नहीं हो सकता, 45 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा, तो ऑप्शन आपके पास नमन कोण का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। चलिए 27 पर चलते हैं, कर चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम, चुंबकीय आघूर्णन को एम से सूचित करते हैं, चुंबकीय आघूर्णन वाले धारा 500 द्वारा अनुभूत बाल घूर्णन टॉर्क का मान होता, ये भी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बोलता तो टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई होता, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में जो ऑप्शन होगा वो टॉर्क इक्वल टू होगा एम क्रॉस बी होगा, कोई प्रॉब्लम है आपको इस। चलिए अगले पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे 28 पर आते हैं, 28 में आपका बोल रहा है कि सर जितने समय में, ध्यान से सुनिएगा, जितने समय में
किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाते हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो उसको बाबू अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब देखो पी बराबर अगर फॉर्मूला विद्युत धारा पढ़ विद्युत धारा के अगर टॉपिक पढ़ोगे तो विद्युत धारा के टॉपिक पर आप बनाओगे तो उस फॉर्मूला से अगर विद्युत परिपथ की शक्ति निकालोगे तो हम लोग शक्ति बराबर सिर्फ जानते हैं कि पी बराबर होता है, पी बराबर की अगर बात करें तो पी बराबर डब्लू बाई टी होता है। इस फॉर्मूला से आप टोटल कंप्लीट निकाल सकते हो। ठीक है, जब पी बराबर डब्लू बाई टी है तो इस फॉर्मूला से आप अगर निकालोगे तो इस फॉर्मूला का जो बनेगा वो आपका बन जाएगा, क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी होगा, सी वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। कह रहा है आयाम अधिमिश्रण से अधिमिश्रित सूचांक होता है कितना होता है? तो जीरो से एक के बीच होता है। जी हाँ, आपको याद रखना पड़े बाबू कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है जीरो से एक के बीच होता है, कोई दिक्कत? अब देखो ये डायोप्टर वाला क्वेश्चन है। कह रहा है दो लेंसों जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर हो तो समर्पित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगा, समायोजन की फोकस दूरी होगा। तो देखो बाबू पी बराबर अगर ऐसे देखो पावर का डायोप्टर अगर कहते हैं पी बराबर तो पी बराबर हो जाएगा P1 + P2 हो जाएगा और P1 माइनस में है, P1 कितना है -10 है और प्लस कितना है तो +5 है डायोप्टर है तो 10 में से 5 गया तो कितना पंद्रह है ये कितना है बाबू 15 है तो 15 में से अगर घटाओगे 10 जाएगा तो क्या बचेगा -10 बचा, -15 में से 5 गया तो -10 बचा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर जो इसको अगर एक दूसरे को जोड़ दिए डायोप्टर वाला क्वेश्चन से तो इसका जो आंसर हो गया वो -10 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है। देखो हाँ, इसी क्वेश्चन के बारे में हम ज़्यादा आज डिस्कस करेंगे। इस तरह से बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। 32 में आप ध्यान दीजिएगा। करें एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों से। देखिए हमने जब क्लास में इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। करा कि मान लो बाबू किया एक तार है, ठीक है, और इस तार में बोल रहा है इस तार में कि आई बराबर 1 एम्पियर, कितना बोल रहा है आई बराबर बोल रहा है 1 एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर प्रति एकांक। तो प्रति एकांक की अगर बात कर रहा है तो प्रति एकांक का मतलब होता है बाबू प्रति सेकेंड तार, तो धारा जो हो गया वो धारा बराबर 1 एम्पियर और टाइम बराबर जो हो गया वो हो गया 1 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्वांटमीकरण से भी निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, तो इसको जब तुम निकालोगे तो पूरा क्यू बराबर क्या होता है एनी और एन बराबर क्या हो जाता है, एन बराबर हो जाता है क्यू बाई टी और क्यू बराबर क्या हो जाएगा तो आई इंटू सॉरी क्यू बर एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई एन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा तो आई इंटू टी बाई ई। इस फॉर्मूला पर अगर रख दोगे तो टोटल आंसर आपका जो बन जाएगा वो आंसर आपका मतलब फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, तो फाइनल फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले पर रखोगे कि सर आई अगर निकालना है एन तो एन बराबर होता है क्यू इंटू आई बोल रहा है तो हो जाएगा आई इंटू टी बाई ए। अब यहाँ पर सबका मान रख दोगे तो टोटल मान रखने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर आपका कितना आएगा तो आ जाएगा बी ऑप्शन 6.255×10⁻¹⁸ कूलम, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर।
करा किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि आवेश प्लस की आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये गॉस थ्योरम पर है, आए तो सिंपल है कि अगर है तो हम लोग जानते हैं गॉस के नियम से तो फाई बराबर होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू का मान बोलिए रहा इसका मतलब इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। करा स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया, किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। इसका मान अगर आधा कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन नंबर लास्ट है 35 का। करा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम नहीं होता है। ऑप्शन बी भी गलत है, ए भी गलत है, काले रेखा भी गलत है, सतत होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू हमने क्वेश्चन का जितने भी था 2009 का सैंपल पेपर, तो अभी तो वीडियो नंबर 1 है तो इसको पार्ट 1 को हमने आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन से हम आएंगे पार्ट 2, तो पूरा कंप्लीट वीडियो का बनाकर लाऊंगा। अब आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना हो सके एकदम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पर डे 1 घंटा आप आसानी से उसको पढ़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा। अब 100% हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को लड़ाने के लिए एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, और 35 में 35 आएगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट है तो आप YouTube चैनल पर जाकर मेरा इंग्लिश मीडियम का जो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है उसको कंप्लीट हमने सोल्यूशन दे रहे हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा तो आपको उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपको अगर इस वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप एक दूसरे को चैनल को सेंड कीजिए, अपने आप में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमेशा गांव-गांव तक मेरे वीडियो को हिंदी माध्यम को खास करके आप भेजिए। और आपको हम आश्वस्त देना चाहता हूँ, आपको हम पूरा 100% बोलना चाहता हूँ कि आपको 35 में 35 लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आपके पास डिस्कस करूँगा।